नमस्कार, आप देख रहे हैं YS न्यूज। मुरादाबाद में सूरजनगर कटघर में कुत्ते को लेकर चले लाठी डंडे, एक घायल। हमलावरों के खिलाफ दी गई पुलिस को तैयारी, पुलिस ने कराया घायल का मेडिकल। इधर रामपुर में मिनी खाटू श्याम मंदिर, श्याम कॉलोनी ज्वाला नगर रामपुर से खाटू श्याम जी राजस्थान पद यात्रा निकाली गई, जिसमें लगभग 20 श्याम प्रेमियों ने हिस्सा लिया। यात्रा को सुबह श्याम मंदिर से ढोल ताशों के साथ शुरू किया गया। इस पावन पद यात्रा में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इधर उतर कर रामपुर के लिए गाड़ियों से निकला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का काफिला। जनपद रामपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं का किया लोकार्पण। रामपुर की जनता को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया संबोधित, सभी को दिलाया भरोसा जनता के लिए काम कर रही है सरकार। जनपद रामपुर में कार्यक्रम सम्पन्न होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लिए हुए रवाना। योगी आदित्यनाथ ने 37,63,00,000 का योजनाओं का शिलान्यास किया। रामपुर में योगी आदित्यनाथ महात्मा गांधी स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करने आए। 2022 को लेकर विधानसभा चुनाव नजदीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश में चल रही योजनाओं को लेकर जनता के जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना जरूरी। मुख्यमंत्री ने रामपुर में विकास कार्य एवं विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलने की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक कैसे पहुँचे, तब सरकार इस मंशा से काम करती है तो गरीबों को अन्य योजनाओं का भी लाभ मिलता है। किसी मजहब जाति के नाम पर भेदभाव नहीं हो, यह सरकार की स्पष्ट मंशा है। कहा, भारत विरासत का देश है, दुनिया सबसे प्राचीन विरासत को सुरक्षित और संरक्षित करने का दायित्व हम सभी पर है। को देते हुए अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, भारत विरासत का देश है और हर हाल में दुनिया की सबसे प्राचीन विरासत को सुरक्षित और संरक्षित करने का दायित्व भी हम सब पर है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया है और उसी श्रृंखला का हिस्सा है कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति होना और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का। हमारे पर्व और त्योहार भाइयों बहनों इसी विरासत के हिस्से हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है। उन लोगों ने इस रामपुर की विरासत को भी नष्ट करने का षड्यंत्र किया था और इसीलिए हम लोग बार बार आए थे ये कहने के लिए कि रामपुर की विरासत को भी अक्षुण्य रखेंगे, लेकिन किसी भूमाफिया को सत्ता के संरक्षण में रहकर के गरीबों, दलितों, वंचितों, व्यापारियों की संपत्ति पर भी कब्जा नहीं करने देंगे। और आज रामपुर में इसीलिए हम लोग आए हैं। रामपुर विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बने, बिना भेदभाव के बड़े प्रोजेक्ट हो, गरीब कल्याणकारी योजनाएं हो या फिर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को बनाए रखने के लिए लगातार केंद्र और प्रदेश सरकार ने दिशा में प्रयास किया है। अगर मैं केवल आपके रामपुर